देखो राइट थ्री पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मेंबर लिखना है, इसके अलावा दे रखे अगर एक मेंबर 12 है तो बाकी का बचा हुआ दो मेंबर हम लोग को लिखना है। फाइंड करने का तरीका है स्मॉलेस्ट इवन नंबर, हमेशा इसी से बनेगा स्मॉलेस्ट इवन नंबर, उसको आप लोग फाइंड कर लो स्मॉलेस्ट इवन नंबर बी टू एन, क्या हो गया 2n, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या हो जाएगा 2m लिख दो बी टू एम, तो इससे हम लोग को क्या पता चलेगा देन वी गेट m, हम लोग को m मिल जाता है। आफ्टर दैट नाउ वी फाइंड 2m कॉमा m स्क्वायर माइनस 1 कॉमा m स्क्वायर प्लस 1, यही आपका आंसर होगा। बोलेंगे सर कैसे, नाउ सी वी हैव टू राइट थ्री पाइथागोरियन ट्रिपलेट ना, द फर्स्ट वन लेट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, देखो कि कैसे बना रहे हैं, ध्यान देना प्रांजल, लेट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर बी, मान लेते हैं 4 है ना, तो हमने क्या बोला कि जो स्मॉलेस्ट नंबर रहता है उसको 2m मान लो, देन नाउ हम लोग क्या लिख सकते हैं 2m इजकल टू 4, देन m इजकल टू 4 बाई 2, देन वी हैव m इजकल टू 2। नाउ फॉर्मूला ये लगा दो, देखो फर्स्ट हम लोग को पता चलेगा क्या, फोर गेटिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग को मिलेगा कैसे, तो बोलेंगे सर आपने बताया है 3 m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, m का वैल्यू आपने क्या निकाला यहाँ फर्स्ट केस में 2, देन यहाँ हर्षित क्या लिखोगे 2 स्क्वायर माइनस 1, ना 2 4 माइनस 1 दैट इज 3, एंड सबसे लास्ट में देखो 2 स्क्वायर प्लस 1, देन वी हैव क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या पहला हम लोग को मिला, देखो फर्स्ट मिल गया 2 3 एंड 5, ये हम लोग को हो गया फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लिख ये हम लोग 2 नंबर बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ने 4 लिया था, 4 को हटा देंगे, ठीक है कोई और ले लेते हैं, तो बोलते हैं कि सर एक काम कीजिए ना, दिस टाइम आप 10 लीजिए, 10 स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, तो इस बार 2m की जगह क्या हो जाएगा 4 की जगह आपको क्या लिखना होगा, यू विल हैव टू राइट 10, जब ये 10 हो गया देन यहाँ पर क्या हो जाएगा m इजकल टू क्या हो जाएगा बोलो, m इजकल टू हो जाएगा 10 और ये 2 आ जाएगा नीचे, देन वी हैव 5। फॉर गेटिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग को m फाइंड करना है, m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, तो आपने m का वैल्यू निकाल दिया है, तो क्या m स्क्वायर प्लस 1 नहीं निकलेगा, जो निकलेगा वही हमारा यहाँ पर बॉक्स में आंसर होगा, देखो क्या हो जाएगा m तो निकाल चुके हो 5, ना m स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 1 25 माइनस 1 दैट इज 24, ना 5 स्क्वायर प्लस 1 25 प्लस 1 देन वी हैव 26, नाउ द आंसर इज 5 24 एंड 26। लास्ट वन में हम लोग को थर्ड नंबर बनाना है, यहाँ पर 12 लेना है, यहाँ 12 लेना है, यहाँ 12 लेना है, तो यहाँ पर कुछ और नंबर आएगा, यहाँ कुछ और आएगा, तो यहाँ भी कुछ और आएगा, जल्दी से आप लोग बनाओ 12 से बनाओ, आप लोग 12 से बनाओ, क्या आ रहा है, दिस इज 12, 2m is equal to 12, then we write down 12 by 2, then we have 6, 6 square minus 1, that is 36 minus 1, we have 35, 6 square plus 1, then we have 36 plus 1, now 37,
नाउ द आंसर आप लोग को मिल चुका है, क्लियर है प्रांजल? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नाउ 6:35 इस तरह आप लोग जितना भी मन उतना बना सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना जो स्मॉलेस्ट रहेगा ना वो इवन नंबर ही रहना चाहिए। तो चलिए आज का क्लास हो गया कंप्लीट, कुछ हम लोग साइंस पढ़ लिए और कुछ हम लोग का मैथ्स भी हो गया।